दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के हाल ही में कंडक्ट हुए ऑल 40 शिफ्ट में से थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग का सलूशन करने वाले। इससे पहले मैंने दो शिफ्ट का सलूशन करा दिया है, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, संख्या एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा हो गया। अगर हम मान के चलिए इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं, देखिए एक के विपरीत पर यहाँ पर एक दिया हुआ है, चार के विपरीत पर चार दिया हुआ है, और पाँच के विपरीत पर यहाँ पर दो दिया हुआ है। हमें पूछा गया है एक के विपरीत पर, यानी कि इनमें से कौन सा संख्या नहीं दिया हुआ है, यानी कि वही संख्या होगा, यानी कि एक के विपरीत पर तो एक हो सकता है। दो के विपरीत पर यहाँ पर पाँच दिया हुआ है, उसके बाद देखिए चार के विपरीत पर चार है, यानी कि कौन सा संख्या इसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर तीन और छः नहीं दिया, यानी कि इन दोनों में से भी कौन सा कोई हो सकता है एक के विपरीत पर। अगर हम मान के चले इन दोनों को कॉमन लेते हैं, आप देखिए एक के विपरीत पर एक बिल्कुल ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पाँच के विपरीत पर पाँच हो गया और चार के विपरीत पर छः हो गया, यानी कि अब कौन सा संख्या बच गया केवल, यानी कि तीन संख्या हो गया। छः तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब बच गया तीन, यानी कि तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए क्रस्ट को इस प्रकार लिख दिया गया है, ब्लेम को इस प्रकार लिख दिया गया, तो प्लास्टिक को किस प्रकार। अगर यहाँ पर देखिए सी का कोडिंग कितना होता है, तीन लास्ट में लिख दिया गया, आर का 18 लास्ट में लिख दिया गया, यू का 21, एस का 19 और टी का 20, यानी कि फर्स्ट लास्ट में से शुरू हो गया। उसी प्रकार हम प्लास्टिक के साथ भी करेंगे तो पी का कितना होता है 16 लास्ट में लिख देंगे, एल का कितना होता है 12 लास्ट में लिख देंगे, उसके बाद देखिए ए का कितना होता है 1, एस का 19 और टी का 20 और आई का 9 और सी का 3, यानी कि 39 से शुरुआत होने वाला, 39 से शुरुआत होने वाला केवल यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का, देखिए कुछ कुत्ते जानवर है, कुत्ते को हम के से डिनोट करते हैं, कुछ कुत्ते जानवर को हम जे से डिनोट करते हैं, उसके बाद देखिए कुछ जानवर पालतू है, कुछ जानवर जो है पालतू, पालतू को हम पी से डिनोट करते हैं, उसके बाद देखिए सभी पालतू सफेद, यानी कि सभी पालतू जो वाला पार्ट जो है सफेद के अंदर में, उसके बाद निष्कर्ष देखिए कुछ कुत्ते सफेद हैं, देखिए कुछ कुत्ते तो यहाँ पर है और सफेद वाला पार्ट यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ जानवर सफेद है, कुछ जानवर सफेद के अंदर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते के अंदर यहाँ पर देखिए बिल्कुल आ रहा है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी अनुसरण करता है, यानी कि केवल निष्कर्ष दो और तीन अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन, देखिए पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे इन दोनों ऑप्शन में दिया उसी प्रकार ये नीचे वाले ऑप्शन में होना चाहिए, यानी कि 9 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, बिल्कुल सही है, 18 19 को जोड़ेंगे तो 37, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसी प्रकार से ऑप्शन में भी होना चाहिए, देखिए 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125, यानी कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 25 5 जोड़ेंगे तो 30, यानी कि ये सब तो गलत हो जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का देखिए क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इतना ही तो हमें नहीं मिल पाएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर KL+2 हो रहा है, उसके बाद देखिए एल के बाद MN+2 हो रहा है, उसी प्रकार एफ से भी +2 करना पड़ेगा, तो एफ के बाद कितना हो जाएगा GH, यानी कि इसके बाद यहाँ पर H हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस के बाद TU, यानी कि यहाँ पर भी +2, यानी कि ओ के बाद हमें +2 करना है, ओ के बाद PQ हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी में X है, यानी कि इसमें भी X हो जाएगा, HQX फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग का क्वेश्चन, देखिए R से S यहाँ पर लास्ट में +1 कर दिया गया, उसके बाद देखिए O से PQ यहाँ पर +2 कर दिया गया, उसके बाद देखिए तीसरे डिजिट S से भी कितना है TUB, यानी कि +3 हो रहा है, उसके बाद देखिए E से यहाँ पर I कितना है +4, यानी कि +1 +2 +3 +4, यानी कि फर्स्ट से हमें लास्ट में जाना है, उसी प्रकार ये +2 यहाँ पर करना है, यानी कि टी से हमें कितना करना पड़ेगा यहाँ पर लास्ट में जाने के बाद +1 करना होता है, टी से यू, आई से कितना हो जाएगा JK, उसके बाद एम से कितना हो जाएगा NOP, उसके बाद देखिए यहाँ पर ई से हमें +4 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा आई हो जाने का, IPQU कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीन किसी प्रकार से समान है और एक असंगत का चयन करना है, यहाँ पर देखिए एच के बाद IJ, जे के बाद KL, यानी कि सभी में +2 हो रहा है, उसके बाद देखिए एफ के बाद CDEF यहाँ पर भी +2 है, उसके बाद देखिए V के बाद WX, एक्स के बाद YZ, यानी कि इसमें भी +2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए जी के बाद HI यहाँ पर तो ठीक है +2, लेकिन I के बाद JK होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर K होना चाहिए, लेकिन IJ दिया हुआ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल असंगत दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यू का के से किस प्रकार संबंधित है, अगर हमें क्यू से के तक जाना है, देखिए क्यू यहाँ है और के यहाँ, तो यहाँ तक हमें चेक करना है, देखिए हैच का क्या अर्थ दिया हुआ है, हैच यहाँ पर दिया हुआ, यानी कि AB की बहन, यानी क्यू जो है टी की बहन, क्यू जो है टी की बहन, यानी कि इसको माइनस से डिनोट कर दिया, इसको प्लस से डिनोट कर, उसके बाद देखिए यहाँ पर एंड है, एंड का क्या अर्थ दिया हुआ है, एंड यहाँ पर देखिए AB के पिता, यानी कि टी जो है वाई के पिता है, टी जो है वाई का पिता है, यानी कि इसका यह बेटा हो गया, यानी कि ये प्लस में हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंड तो हो गया, @ देखिए @ किसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए AB का बेटा, यानी कि M जो है यहाँ पर @ यहाँ पर हमें चेक करना है, तो @ का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखिए AB का बेटा है, यानी कि Y जो है M का बेटा है, Y जो है वाला पार्ट जो M का बेटा, यानी कि इसका भी बेटा हो गया, यानी कि ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, कन्फर्म हो गया, इसका भी बेटा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर परसेंटेज का क्या अर्थ दिया हुआ, परसेंटेज का अर्थ दिया AB की माँ है, यानी कि M जो है K की भी माँ है, यानी कि K भी इसका एक बेटा हो गया, यानी कि ये दोनों भाई भाई हो गए, Y और K, और ये दोनों इसके माता पिता हो गए। उसके बाद देखिए K
के का क्यू से क्या संबंध है, तो यहाँ पर के जो है यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर, यानी कि इसके पिता और माता ये दोनों हो गया और इसकी बहन तो ये है, यानी कि इसकी ये बुआ हो गई या फुआ भी बोल सकते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर चार गोला है और यहाँ पर देखिए तीन हो गया, यहाँ पर दो हो गया, यानी कि अगले में एक गोला हो जाएगा और ये वाला चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये एक अंदर में वृत्त है, उसके बाद देखिए अगले में यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखिए थर्ड में यहाँ पर आ गया, यानी कि फोर्थ में इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये वाला फिगर जो है इसके अंदर में ब्लैक और पार्ट व्हाइट पार्ट है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसे प्रकार है यानी कि ये वाला पार्ट नीचे किस तरफ हो जाएगा, यानी कि नीचे तरफ आ जाएगा, यानी कि ब्लैक पार्ट नीचे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा गोला होना चाहिए, यहाँ पर एक बड़ा गोला होना चाहिए, गलत हो गया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर तो ये गोला ठीक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा वाला गोला यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये छोटा गोला ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक वाला पार्ट जो है इस तरफ नीचे बगल होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हो 1331, यहाँ पर 2197 68 आपको कुछ दिख रहा होगा। 1331 कितना का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। उसके बाद देखिए 2197 कितना का क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6869 कितना का, 19 का क्यूब है, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 का क्यूब। 17 का क्यूब कितना होता है, 4913 होता है। यहाँ पर देखिए सभी प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर, 13 उसके बाद 15 नहीं होगा, 15 प्राइम नंबर नहीं होता, यानी कि 17 प्राइम नंबर होता है, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर होता है, यानी कि 17 का क्यूब कितना होता है, 4913, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब 1 से लेकर 50 तक, स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लेना चाहिए, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए 3700 किस प्रकार है, 2976 किस प्रकार। अगर देखें हम 37 में हम यहाँ पर 100 जाना था, यानी कि मल्टीप्लाई करके ही जा सकते हैं, 37 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 17 1 हाँ से यहाँ पर हो गया 2 और 3 9 यानी कि 11, 111 में से हम 11 घटा देंगे तो यहाँ पर 100 बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार हम देखें 2976 जाएंगे तो 29 में से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 29 तक कितना होता है, 87, 87 में से हम 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 76 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हमें 24 से भी उसी प्रकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें 24 कम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 तक कितना होता है, 72 होता है, 72 में से हम 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 आ रहा है, यानी कि 61 ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बोला गया है समीकरण को यहाँ पर 3 और 8 को चेंज करिए और कौन सा समीकरण सही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको गलत हो सकता है, इसको एक बार क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा तभी आप चेक करिए। यानी कि अगर हम मान के चलिए फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ पर साइन 3 और 8 को चेंज करते हैं, देखिए 2 3 6 यानी कि 3 हो गया, 3 3 9 और 9 + 8 17, 17 में से 1 गया कितना, 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 17, यानी कि यही एक असंगत संख्या दिया हुआ है, बाकी ये तीनों ऑप्शन फिट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही असंगत दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति किसमें नहीं था, अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये आकृति बिल्कुल यहाँ पर बैठ रहा है, उसके बाद देखिए ये रेकरिंग जो है पूरा अंदर तक आ रहा है, जैसे इस प्रकार ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही असंग सही हो जाएगा, हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक कर दीजिए, अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल और SSC द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूरे टोटल रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्यू का पी का पुत्र बोला गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा जो क्यू पी का पुत्र होगा। अगर यहाँ पर देखिए पी से हमें क्यू तक ही जाना है, पी से क्यू यहाँ सभी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जोर का क्या अर्थ दिया हुआ है, ए बी का पिता, यानी कि पी जो है क्यू का पिता दिया हुआ है, यानी कि हमें पूछा गया क्यू पी का पुत्र होना चाहिए, क्यू यहाँ पर पी का पुत्र बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी से क्यू यानी कि माइनस का क्या अर्थ दिया हुआ है, माइनस का कहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर, यानी कि ए बी की माता, यानी कि पी जो है क्यू की माता, यानी क्यू की माता, यानी कि यहाँ पर भी पी क्यू पुत्र हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वैसे, यानी कि ये ऑप्शन ये पूरी तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये फ्री का नंबर था, सभी को 2 नंबर मिलेंगे, ये आप एक बार फिर से कोशिश करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हिपोक्रेसी को इस प्रकार लिख दिया, इम्पोर्टेंट को इस प्रकार लिख दिया है, तो इंटेग्रिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा, अगर यहाँ आप ध्यान से देखें, देखिए एच को यहाँ पर रहने देगा, वाई पी को यहाँ पर फर्स्ट में ला देगा, उसी प्रकार हम आई को रहने देंगे इसमें से, एन टी को पहले ला देंगे। उसके बाद देखिए एच यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर तीसरे नंबर चला गया, आई यहाँ पर तीसरे नंबर पर चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ और सी को वैसा ही रहने देंगे, हम ई और जी को भी वैसा ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए आर आई को यहाँ पर पलट, यहाँ ये आई आर कर दिया, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर जी तक तो हुई, आर आई को यहाँ पर पलट देंगे तो आई आर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एस और वाई को पलट दिया, और उसी प्रकार हम यहाँ पर टी और वाई को, यानी कि वाई और टी हो जाएंगे। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, हमें पूरी तरह से चेक करने के बाद थर्ड ऑप्शन ही पूरा मैच कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाग और जोर को यहाँ पर साइन को चेंज करना है, और समीकरण को कौन सा समीकरण सेटिस्फाइड कर रहा है, अगर यहाँ पर चेंज कर लिया है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 6 54 54 + 3 कितना हो गया, 57, 57 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना हो गया, 50 बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए दर्पण के दाई ओर रखने का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दो इस तरफ चलाएगा यानी कि सभी ये लास्ट वाले पार्ट फर्स्ट में आ जाएंगे, यानी कि दो देखिए यहाँ पर ठीक दिया हुआ है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पलट गया दो, यानी कि ये गलत हो गया। फोर्थ में भी दो ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नौ जो है यहाँ पर पलटने पलट जाएगा इस प्रकार, यहाँ पर ठीक है लेकिन सेकेंड में देखिए ये पलट गया, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए ये भी यहाँ पर भी दो ठीक है, उसके बाद देखिए क्यू जो है यहाँ पर पलटने के बाद पी बन जाएगा, तो इसमें देखिए इसमें यहाँ पर क्यू का क्यू रहने ये भी गलत हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही केवल बन जाएगा, यानी कि पी यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये दोनों रिलेशन बन रहा है उसी प्रकार ये ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है और 9 का क्यू 729 बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 14 का स्क्वायर 196 होता है और 114 का क्यूब 2744 होता है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन में भी उसी प्रकार स्क्वायर और क्यूब होना चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पर देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 बिल्कुल सही है, और 17 का क्यूब कितना होता है 4913। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ आपको क्यूब और स्क्वायर याद कर लेना चाहिए ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकें। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन देखिए सी से यहाँ पर एफ कितना हो रहा है डी ई एफ, यानी कि प्लस का 3 बढ़ रहा है तो हम आई से हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जे के एल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए जेड से एक्स कितना हो रहा है, जेड से एक्स यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है। उसी प्रकार एक्स से भी कितना हो रहा है, भी का डब्ल्यू एक्स, यानी कि यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, तो यानी कि हमें भी से भी माइनस 2 करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, तो भी से 2 माइनस कर देंगे तो टी हो जाएगा क्योंकि टी के बाद यू भी होता है। उसके बाद देखिए एन से ओ यानी कि एक बढ़ रहा है, ओ से पी और पी से क्यू यानी कि क्यू हो जाएगा। और इतना ही से हमें चेक करते हैं एल टी क्यू कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एल टी क्यू, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है एल टी क्यू, यानी कि सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का एक और क्वेश्चन देखिए ए से बी, बी से सी, सी के बाद कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी से सी डी कितना प्लस का 2 बढ़ रहा है, यानी कि हमें एफ से भी 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी से एफ कितना बढ़ रहा है डी ई एफ, यानी कि प्लस का 3 बढ़ रहा है, यानी कि हमें आई से भी प्लस 3 करना पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आई जे के एल हो जाएगा। और सभी में देखिए लास्ट में सभी में डी, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि डी एच एल डी कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कौन सा संख्या असंगत दिया हुआ है, अगर यहाँ पर देखिए 52 से 72 कितना बढ़ रहा है प्लस का 20 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए 72 से 92 कितना बढ़ रहा है प्लस का 20 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 48 से 68 यहाँ पर भी प्लस 20 है, 68 से 88 यहाँ पर भी 20 है, उसके बाद देखिए 36 से 20, 56 से यहाँ पर 76 यहाँ पर भी 20 है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर 56 से 20 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 76 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 78 दिया हुआ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन देखिए, अगर हम यहाँ देखें यू और एक्स को देखते हैं, देखिए यू और फर्स्ट और यहाँ पर लास्ट की देखिए तिरछा, देखिए यहाँ पर यू एक्स किस प्रकार यह बदल गया, देखिए यू जो है यहाँ पर अगले में एक्स हो गया ये और ये यू हो गया, यानी कि उसी प्रकार ये बदल कर आप देखिए आगे कहाँ चला गया, आगे देखिए इस वाले बॉक्स में कहाँ पर चला गया यू और एक्स जो है यहाँ पर देखिए एक्स और यू में बदल गया। उसके बाद इस वाले बॉक्स में देखिए यहाँ पर फर्स्ट से यहाँ पर लास्ट में आ गया और ये दोनों ऊपर और नीचे हो गए यू एक्स हो गए, यानी कि इसमें पलटने के बाद यहाँ पर यू एक्स हो जाएगा और यहाँ पर यू हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला एक बच गया और यहाँ पर देखिए अब इसको पहले मिटा लेते हैं। उसके बाद देखिए तीन और ये देखिए वर्ग को देखते हैं, तीन और वर्ग इसमें देखिए यहाँ पर आ गया और उसके बाद पलट गया वर्ग और तीन नीचे हो गया, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर पलट गया, उसके बाद देखिए ये जस्ट ऊपर चला गया वर्ग और तीन, और उसके बाद देखिए ये यहाँ पर तो ये तीन जगह सीट क्लियर कर चुका है, यानी कि अब यहाँ आ जाएगा लास्ट में, यानी कि वर्ग और तीन जो है यहाँ पर चलाएगा इस तरफ नीचे चलाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखते फिर से, उसके बाद देखिए एस और एल को देखते हैं, यहाँ पर देखिए एल और एस यहाँ पर है, उसके बाद देखिए पलटने के बाद एस और एल हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगले बॉक्स में देखिए यहाँ पर एस और एल ऊपर में चला गया, उसके बाद जस्ट ये दोनों पलट गया एल और एस में बदल गया, और ये दोनों जस्ट यहाँ पर जैसे प्रकार यू और एक्स आया यहाँ पर ऊपर में उसी प्रकार देखिए एल और यू एस यहाँ पर चलाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा बच गया, अब नाइन और ए बच गया केवल, या देखिए नाइन और यहाँ पर है, उसके बाद देखिए यहाँ से या देखिए ए और नाइन में बदल गया, उसके बाद फिर से देखिए नाइन और ए में बदल गया, उसके बाद देखिए फिर से ये लास्ट में ए और नाइन बदल गया, अब ये ऊपर चले जाएंगे, यानी कि इस यहाँ पर हो जाएगा ए और नाइन, यानी कि इस तरफ हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ए और नाइन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, एल एस भी ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज भी ठीक है, लेकिन एक्स और यू जो है यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए और नाइन ठीक है, एल और एस भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स और यू यहाँ पर होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए एक्स और यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल और एस होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए एल और एस ठीक है, ए नाइन भी ठीक है, उसके बाद देखिए बॉक्स और त्रिभुज तीन ठीक है, और एक्स यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन था फिगर का क्वेश्चन, जो लोग अभी इसको एग्जाम में छोड़ कर आएंगे उनके लिए तो बहुत ठीक है, जो लोग इस क्वेश्चन के चक्कर में फंस गए उनका टाइम बर्बाद हो गया होगा। यहाँ पर देखिए बोला गया किसी दो संख्या को परस्पर बदलने के बाद समीकरण को सॉल्व कीजिए, यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन लिखिए 12 और 24 को ले लेते हैं, 12 का जगह पर 24, 24 का जगह 12, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 को हम 12 से डिवाइड 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 नंबर, यानी कि 9 से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 81 को हम कितना लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 36 हो गया। उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर 28 से भाग देंगे तो यानी कि 14, यानी कि माइनस का 14
और यहाँ पर प्लस का 12, यानी कि इसमें से यानी कि ये माइनस का 2 बच गया यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, यानी कि 36 और 9 कितना हो गया 44 हो गया, 44 में से 2 माइनस करेंगे तो 42 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 43 दिया हुआ है, यानी कि ये भी क्वेश्चन गलत है। ये सभी को फ्री के नंबर दो नंबर मिल गए होंगे, आप लोग भी खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देखिए सभी जे बी है, यानी कि सभी जे जो है बी के अंदर में, उसके बाद देखिए कुछ डी बी है, कुछ डी जो है बी है, उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं कुछ डी जे नहीं है, कुछ डी जे है जे नहीं है, यानी कि देखिए ये कुछ डी जे नहीं है, यानी कि इसे देखिए इसके अंदर में यहाँ पर ये डी है और जी यहाँ पर, यानी कि मान के चलिए अगर यहाँ पर अगर डी आ जाए यानी कि इसके अंदर में तो हो सकता है, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी कि गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा निष्कर्ष देखिए कुछ बी जे नहीं है, कुछ बी जो है जे नहीं है, यानी कि कुछ बी यानी कि बिल्कुल ये भी गलत हो जाए, क्योंकि देखिए जे के अंदर में ही है यहाँ पर बी के अंदर में, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन भी गलत थे, तो यह सभी को फ्री के नंबर मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऑल 40 शिफ्ट का रीजनिंग का सलूशन मिल जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर SSC के एग्जाम में 2 बार जितने उन सभी का रीजनिंग का सलूशन लगातार मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं और साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ हर सब्जेक्ट के PDF मिल जाएंगे, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए।